सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। मणिपुर करीब दो महीने से सुलग रहा है। 3 मई को भड़की हिंसा के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे और छात्रों को अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी थी। अब कन्नूर यूनिवर्सिटी ने उन छात्रों के लिए दरवाजे खोले। कन्नूर विश्वविद्यालय ने मणिपुर के उन छात्रों को एडमिशन देने का फैसला लिया है जिन्हें हिंसा के कारण अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी थी। मणिपुर के छात्रों को आगे की पढ़ाई और नए कोर्स में एडमिशन के मौके दिए जाएंगे। यह फैसला कन्नूर विश्वविद्यालय मुख्यालय में आयोजित एक तत्काल सिंडिकेट बैठक में लिया गया। सिंडिकेट सदस्य एन सुकन्या ने कहा कि विश्वविद्यालय मानवतावादी और धर्मनिरपेक्ष की तरफ अपना रुख कर रहा है। कन्नूर यूनिवर्सिटी के बीसी गोपीनाथ रविंद्रन ने कहा, कई छात्र अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे, ऐसे में कुकी छात्र संगठन आदिवासी छात्रों ने विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजा था। पत्र की एक प्रति कन्नूर यूनिवर्सिटी को भेजी गई थी, तभी हमने इस आपातकालीन सिंडिकेट बैठक का आयोजन किया था। कन्नूर यूनिवर्सिटी में पीजी विभागों में प्रवेश अभी चल रहा है, इसलिए हम मणिपुर के प्रभावित क्षेत्रों के छात्रों को हर संभव सहायता देंगे। बीसी ने मणिपुर से आने वाले छात्रों को हॉस्टल की सुविधा और वित्तीय सहायता देने की भी बात कही। बीसी गोपीनाथ रविंद्रन ने कहा कि हम सरकार से वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध करेंगे। सरकार केरल के छात्रों के लिए एसटी सीट के लिए सहायता देती है, हम भी यही अनुरोध करेंगे। हम दान देने के इच्छुक लोगों से सार्वजनिक दान भी मांगेंगे। छात्र कन्नूर आकर बिना किसी दस्तावेज के पढ़ाई कर सकते हैं, उन्हें सतर्क एडमिशन दिया जाएगा और कोर्स पूरा होने से पहले सभी प्रमाण पत्र जमा किए जा सकते हैं। बीसी ने कहा कि मणिपुर से आने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय परिसरों में अतिरिक्त सीटें तैयार की जाएंगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।